नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को धन त्रयोदशी की यानी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने विशेष अंक में आज हम बात करेंगे कि धन त्रयोदशी का यानी धनतेरस का मामला होता क्या है, धनतेरस पर आखिर बर्तन क्यों खरीदते हैं, इस बार धनतेरस पर खरीदारी कब करें और अलग अलग राशि के लोग इस बार धनतेरस पर क्या खरीदें जिससे उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। तो धनतेरस से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हम इस विशेष अंक में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि धन त्रयोदशी का यानी धनतेरस के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, धनतेरस का जो पर्व है ये दो चीजों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो नाम इसका धनतेरस है तो धन से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, यानी धन और स्वास्थ्य दोनों से इसका संबंध है। धनतेरस के दिन धन के लिए कुबेर जी की और स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी देवता की उपासना की जाती है। कुबेर जो हैं वो लक्ष्मी जी के सचिव हैं, वित्त के अधिपति हैं और धन्वंतरी देव जो हैं वो देवताओं के डॉक्टर हैं। इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने की वजह से ही इस दिन बर्तन खरीदने की, चूंकि वो कलश लेकर के प्रकट हुए थे, बर्तन लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा वहां से शुरू हो गई। और संपन्नता, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इसीलिए लोग धातु भी खरीदते हैं, आभूषण भी खरीदते हैं और बर्तन भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप सही खरीदारी करें, सही समय पर खरीदारी करें, तो इससे आपको लाभ भी होगा और आपकी तमाम समस्याएं भी निश्चित रूप से दूर होंगी। यानी आपको ये समझना होगा कि धनतेरस के दिन आप ऐसा क्या खरीदें, ऐसा क्या चीज़ अपने घर में ले आएं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और जिससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। आपकी राशि क्या है और राशि के हिसाब से धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, ये आपको बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगर वो चीज़ आप खरीदते हैं तो उससे आपको किस तरीके के फायदे प्राप्त होंगे। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वाले इस बार धनतेरस पर कोई सोने की या कोई पीतल की वस्तु खरीदें। सोना महंगा है और भी महंगा होगा, तो अगर आप सोना नहीं खरीद पाते तो आप पीली धातु यानी पीतल की कोई वस्तु आप खरीद सकते हैं। ऐसा अगर आप धनतेरस के दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इससे आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा और हर तरह की धन की हानि से आप बचे रहेंगे। इसलिए धनतेरस पर बाकी जो भी खरीदना है खरीदिए, लेकिन सोने या पीतल की कोई चीज मेष वालों को जरूर खरीदनी है। वृषभ राशि। वृषभ वालों को धनतेरस पर वाहन खरीदना चाहिए, आलमारी खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे मोबाइल है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये खरीदना चाहिए। इससे भाग्य आपका साथ देगा। ये चीजें या इन चीजों में से कोई भी एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं तो इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस खरीदारी के बाद आप देखेंगे कि इससे आपके पारिवारिक जीवन की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होंगी। मिथुन राशि। मिथुन वाले धनतेरस पर कांसे के बर्तन, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए।
कांसे की मूर्ति थोड़ा हो सकता है ना मिले, लेकिन कांसे के बर्तन आसानी से मिल जाएंगे। तो कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति खरीदिए। फायदा क्या होगा? इससे आपकी निर्णय की क्षमता अच्छी होगी, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़िया हो जाएगी। साथ ही साथ संतान पक्ष की जो तमाम समस्याएं आपकी ज़िंदगी में हैं, जो संतान को लेकर के मानसिक रूप से तनाव बना हुआ है, ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। कर्क राशि। कर्क वाले भी धनतेरस पर पीतल की कोई वस्तु या सोने की कोई वस्तु खरीदें तो बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि के लोग धनतेरस पर पीतल या सोने की चीज़ खरीदें। इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो ये होगा कि इससे आपकी भावनात्मक समस्याओं में सुधार होगा। और अगर आप धनतेरस पर एक सोने का या पीतल का छल्ला ले लेते हैं और दीपावली के पूजन के बाद उसको धारण कर लेते हैं तो आप इमोशनली बहुत बेहतर होंगे। और धनतेरस पर इस खरीदारी से आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। सिंह राशि। तांबे के बर्तन खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर तांबे का बर्तन जल वाला हो, जैसे लोटा हो, जग हो, ग्लास हो, अगर तांबे का पात्र जल का पात्र हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। साथ ही साथ जो जीवन में संपत्ति संबंधी समस्याएं हैं, ऐसी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी को लेकर के और पैसे को लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत आपकी आसानी से समाप्त हो जाएगी। कन्या राशि। धनतेरस पर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं खरीदिएगा, चाहे वो बिजली का बल्ब हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, जो भी हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु जरूर खरीदिएगा। कुछ नहीं खरीद सकते, एक बल्ब खरीद लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं, आपकी धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर होंगी। और साथ ही साथ जीवन में नए काम करने के रास्ते भी आपके खुल जाएंगे। जीवन में ज़्यादा बेहतर और नया काम आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। नए काम के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। देखिए, धनतेरस पर जो भी चीज़ आप खरीद कर लाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उसका इस्तेमाल धनतेरस के दिन से ही नहीं कर सकते। जो भी चीज़ आप धनतेरस पर खरीद के लाते हैं उसको ला करके घर के पूजा स्थान पर रखिए। उन वस्तुओं के साथ आप दीपावली की पूजा करिए और दीपावली के अगले दिन से उसका इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। धनतेरस पर जो भी कुछ खरीद करके ले आएंगे उसका प्रयोग करना तुरंत शुरू नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस समय खरीदा जाए। हालांकि देखिए, शास्त्रों में अलग से बताया गया कि सामान खरीदने और बेचने का मुहूर्त क्या होगा, लेकिन धनतेरस पर अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो किस मुहूर्त में खरीदें ताकि धनतेरस पर खरीदे गए सामान के साथ साथ आपके घर में धन संपन्नता आती रहे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आपको आगे मुहूर्त भी बताएंगे कि धनतेरस पर खरीदारी का इस साल का मुहूर्त क्या है और किस समय में आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए अपने विषय पर आते हैं, बात करते हैं तुला राशि की और जानते हैं कि तुला राशि के लोग धन त्रयोदशी पर क्या खरीदेंगे इस बार। तुला राशि के लोगों के लिए कांसे की प्रतिमा, ब्रॉन्ज की प्रतिमा, और ये कांसे की मूर्ति अगर किसी देवी देवता की हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अब मान लिया आपको कांसे की मूर्ति नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कांसे का एक बर्तन ले लीजिएगा, लेकिन कांसा आपको खरीदना ही है। इससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे
और आपके करियर में और आपके धन के मामलों में बेहतरी आती जाएगी। आपका करियर बेहतर होगा, आपके धन के मामले भी लगातार बेहतर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, आप अगर इस धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीद लें या चांदी का कोई बर्तन खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा। सिक्का बड़ा हो छोटा हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, चांदी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए उतना भी पैसा नहीं है तो चांदी की छोटी सी कील या चांदी का छोटा सा छल्ला, ये भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा और धन प्राप्त करने की स्थिति में भी सुधार होगा, यानी कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे और धन रेगुलर निरंतर आपके पास आता रहेगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से निश्चित रूप से आपकी रक्षा होगी, इसलिए आप इस धनतेरस पर चांदी की चीज जरूर खरीदिएगा। धनु राशि, आप अगर तांबे का दीपक खरीद लें बहुत ही सुंदर होगा। अगर इस धनतेरस पर आप तांबे का दीपक खरीदें या तांबे का कोई पात्र, तांबे का कोई बर्तन, तांबे का ग्लास है, तांबे का लोटा है, तांबे का जग है, तांबे की कटोरी है, तांबे का कोई भी पात्र अगर आप खरीदें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपके करियर की तमाम रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि धनु राशि वालों की साढ़े साती उतर रही है और ये उतरती हुई साढ़े साती उनके करियर के मामले में दिक्कत भी पैदा कर रही है। इसलिए आपको धनतेरस पर ये छोटी सी खरीदारी करनी है, इससे आपकी करियर की रुकावटें दूर होंगी, पद प्रतिष्ठा का और मान सम्मान का लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। मकर राशि, आपके लिए कांसे की मूर्ति खरीदना या कांसे के बर्तन खरीदना बहुत अच्छा होगा। अगर आप कांसे की मूर्ति खरीदते हैं या कांसे के बर्तन खरीदते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन जैसा पहले भी बताया कि दीपावली के पूजन के बाद ही इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। और अगर आप कांसे के बर्तन, कांसे की मूर्ति खरीदते हैं तो इससे आपके जीवन का संघर्ष कम होगा, साथ ही साथ आपके पारिवारिक जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, वो जीवन में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ा रही है और पारिवारिक जीवन में भी रुकावटें आ रही हैं। इसलिए मकर वाले कांसे का प्रयोग अगर करते हैं, धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं और दीपावली के बाद से उसका प्रयोग करते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले धनतेरस पर चांदी का बर्तन खरीदें, खास तौर से जल का पात्र हो, यानी चांदी की गिलास हो, चांदी का लोटा हो, चांदी का जग हो, अगर ये आप खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और याद रखिए, जो भी चांदी का पात्र आप खरीदेंगे दीपावली पर पूजा करने के बाद उस पात्र का, उस बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। मीन राशि, आपके लिए तांबे का जल का पात्र खरीदना उत्तम होगा। अगर आप तांबे का लोटा खरीद लें, तांबे का ग्लास खरीद लें, तांबे का जग खरीद लें तो ये आपके लिए बहुत सुंदर होगा। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने करियर में मनचाहा बदलाव कर पाएंगे, अपने करियर में जिस तरह के परिवर्तन चाहते हैं उस तरह का परिवर्तन होगा, साथ ही साथ विवाह संबंधी मामलों में भी सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने की मजबूत संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। धन त्रयोदशी पर यानी धनतेरस पर दो देवताओं की मुख्यतः पूजा होती है, एक होती है भगवान कुबेर की जिनसे धन की प्राप्ति होती है और एक होती है भगवान धन्वंतरी की जिनसे अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो आप धनतेरस पर खरीदारी कर लें,
खरीदारी करने के बाद जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, आपके पास शाम तक का रात तक का समय है, आप भगवान कुबेर की और भगवान धन्वंतरी की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप भगवान कुबेर की पूजा करेंगे तो धन की स्थितियां आपकी हमेशा स्थिर बनी रहेंगी, निरंतर पैसा आता रहेगा। और अगर आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी आयु लंबी होगी और जीवन से जुड़ी हुई तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो ये पूजा भी धनतेरस के दिन करना ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिए। 5 मिनट ही सही, लेकिन धनतेरस पर पूजा ज़रूर करिएगा। आगे आपको बताएंगे कि धनतेरस पर कौन सा एक सामान है जो घर में आपको लाना है और कौन सा एक सामान है जो घर से आपको निकालना है। ये ज़रूर समझिएगा कि घर पर कौन सा सामान धनतेरस पर जरूर लाएं और कौन सा सामान घर से जरूर निकालें। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि धनतेरस पर इस बार खरीदारी कब करेंगे, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पहला समय है दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक का समय है, इस समय में खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक, लगभग इस समय में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप धन त्रयोदशी पर यानी धनतेरस पर पूजा उपासना करते हैं तो इसका जो उपयुक्त समय होगा वो होगा शाम को 5 बजे से लगभग 7 बजे के बीच में, यानी अगर आप चाहें तो खरीदारी करने के बाद शाम को 5 से 7 के बीच में धन त्रयोदशी की, धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि धनतेरस पर क्या जरूर खरीदना है। धनतेरस पर बर्तन खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, आभूषण खरीदिए, लेकिन साथ में धनतेरस पर नई झाड़ू अपने घर में जरूर लाइएगा। धनतेरस पर एक नई झाड़ू अपने घर में खरीद करके ले आइएगा, उसका प्रयोग आप दीपावली के अगले दिन से करेंगे, अभी नहीं करेंगे, उसको भी ला करके पूजा स्थान पर रख देंगे। तो धनतेरस पर एक नई झाड़ू जरूर लानी है आपको। और घर से निकालना क्या है, जो घर की पुरानी झाड़ू है जो खराब हो गई है, जो टूट गई है, उसको धनतेरस के मध्य रात्रि में मिडनाइट के बाद आप कभी भी घर के बाहर निकाल दें। बहुत सारे लोग दीपावली की रात को भी निकालते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस की रात को भी आप घर की पुरानी टूटी हुई झाड़ू निकाल सकते हैं। ऐसा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप दीपावली की रात को भी ये निकाल सकते हैं। धनतेरस पर आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ खरीदें, लेकिन धनतेरस पर दान जरूर करना है। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप धनतेरस पर दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसलिए धनतेरस पर खरीदारी भी करिए और थोड़ा बहुत जो भी दान कर सकें, कपड़ा दे सकें, आभूषण दे सकें, बर्तन दे सकें, पैसे दे सकें, जो भी संभव हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, धनतेरस पर पहले आप खरीदारी करिए, उसके बाद पूजा करिए और उसके बाद थोड़ा बहुत दान करिए। तो ऐसा करने से धनतेरस का जो पर्व है वो आपके जीवन में खुशियां लेकर के जरूर आएगा। तो धन त्रयोदशी की, धनतेरस की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।